मातृदेवो भव श्रीमात्रे नमः। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लर्न द लेसन शरणागत रक्षण फ्रॉम द प्रोज पार्ट, राइट। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम संस्कृत तृतीयादर्श रिटन बाय श्री के एल वी शास्त्री। जो शरणागत रक्षण, शरण आगत रक्षण मीन्स जो हमारे पास जो हेल्प के लिए शरण के लिए जो आते हैं, हमारा मदद मांगने के लिए जो आते हैं, मतलब हु केम टू अस टू सीकिंग सम हेल्प फ्रॉम अस, तो उनको जो शरणागतम बोलते हैं, उनको रक्षणा कैसे रक्षा करना है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना है, यह है इस लेसन का, इस टाइटल का मीनिंग है। मतलब हमारा हेल्प के लिए जो आता है उनको रक्षा करना। तो स्टोरी क्या है, हमारा जो पूर्वजों में, जो हमारे जो पुराणों में, इतिहासों में कई ऐसे ऐसे महान जो लोग थे, राजा थे, उनके बराबर जैसे कोई देवलोग भी, देवता लोग भी ऐसे नहीं सोचते हैं जितना ये जो मानव जो जन्म लेके जो इन लोग ने इतना अच्छा अच्छा अपना जो सुविचार जो रखे थे, विचारधारा, वो उतने लेवल का इवन देवता लोग भी उतना नहीं कर पाते हैं। तो खास करके जो दया गुण, दान गुण में जितना जो मानव लोग है उसका बराबर देव लोग भी नहीं होते करके बोलते थे। तो ऐसे जो दया गुण, दान गुण वाले हमारे जो हिस्ट्री में, जिसे सबसे पहले नाम लिया जाएगा दधीचि महर्षि नाम का, उनसे बढ़कर कोई जो दान गुण में उनका नंबर कोई काटने वाला नहीं है। अगर दान गुण का जो दाता लोग है, जो महादाता लोग है हमारे जो पुराण पुरुषों में, हमारे चरित्र में, अगर उनका एक लिस्ट लेगा तो उसमें सबसे फर्स्ट दधीचि महर्षि का नाम लिखा जाता है। उसके बाद फिर शिवि चक्रवर्ती, रंति देवुडु, फिर बलि चक्रवर्ती, कर्ण, ऐसे ऐसा लोगों का नाम आता है। तो आज का जो लेसन है, जो उन लिस्ट में जो है, जो शिवि चक्रवर्ती का स्टोरी है आज, वो इतना अच्छा राजा है, वो बिल्कुल सच्चे संधा बोलते हैं, मीन्स वो बिल्कुल सच्च ही बात करेगा, वो सच्ची व्रत रखता है, वो सच्चे निष्ठ है, कभी भी झूठ नहीं बोलता किसी के साथ। अगर किसी को कोई अगर वादा किया तो फिर पीछे नहीं हटता है, वो इतना अच्छा जो माइंडेड है वो। और दया गुण, दान गुण में उसका उस टाइम में उनको कोई बीट करने वाला नहीं थे। और दया दान गुण सिर्फ क्या है, इन बिटवीन ह्यूमनों के बीच में नहीं है, मानव लोगों के बीच में नहीं है। उनको जैसे अगर किसी भी जैसे कोई प्राणी, कोई जंतु, कोई पक्षी अगर उनके सामने अगर वो दुख रहा है तो ये भी उनका उनसे ज़्यादा ये फील होता है उस दुख को। मतलब उनका दया गुण इतना है, इतना जो हृदय इसका बहुत काइंड हार्टेड है। जैसे अगर वो हमारे सामने अगर किसी आदमी को अगर चोट लग गया तो हम एकदम कांप जाते हैं, अगर कोई जानवर को चोट लगे तो हम इसको ऐसे चलो ठीक है करके हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सब यही हम सही समझते हैं कि जो दर्द है सिर्फ मानव लोगों को है, वो दर्द किसी जीवी में नहीं है, ये तो हमारा विचारधारा है। लेकिन वो इतना महान है, अगर चोट किसी को लग जाए वो तो दुख और दर्द सब बराबर समझता है, वो उनको भी एक अपना जैसे समझता है, वो अपना आत्मा जैसे समझता है। जितना भी जो सारे भूत, भूत मीन्स इधर जीवी प्राणी, सो भूत दया मीन्स उन जीवियों में प्राणियों में ये हमेशा वो दया गुण रखता है, जनरसिटी वो शो करता था वो। तो उनका नज़र में आदमी, पक्षी, मृग कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है उनके लिए। उनका जो दया गुण, उनका जो दया दृक, उसका जो विजन है उसमें सब बराबर है। तो ऐसा एक अच्छा राजा था, वो एक बार अपना मिसेस के साथ, महारानी के साथ
वो एक अपना जो उद्यानवन में मीन्स गार्डन में जब घूम रहा था, तब दूसरी एक पता नहीं कहाँ से आ रही है एक जो डव, एक कबूतर, एकदम वो आके इनका गोद में बैठ गया। फिर बैठते ही एकदम वो, चाहे वो मानव भाषा में बात किया या नहीं तो ये पक्षी भाषा में बात किया, वो हमारे लिए इधर अप्रस्तुत है। लेकिन उसने इनसे पूछा, हे महाराजा, मेरे को मेरा जान बचा लो, मेरे को प्राण भिक्षा दो करके बोला। फिर से बोला, ठीक है मैं आपको प्राण को प्रकट, क्या क्या खतरा है, क्या हुआ तेरे को बोला। जैसे ये बोलने लगी तब तक एक जो वल्चर, जो गृध्र बोलते, जो ईगल बोलते हैं, उसको संस्कृत में श्वेनहा बोलते हैं, मीन्स ईगल, वल्चर, जैसे राबंधु होता है ना, जैसे बड़े साइज का जो, जैसे गरुत्मांत का जाति का है वो, ग्रद्धा बोलते हैं तेलुगुलो, आ ग्रद्धा वच्चि वालिंदि अक्कड। तब उसने बोला, जब उनको समझ में आ गया इधर क्या सीन है, मतलब इस पावर, इस जो कबूतर को वो जो ग्रद्धा, जो ईगल उसके पीछे पड़ी है इनको खाने के लिए, और ये आके इसका शरण ले लिया। फिर तब जो श्वेनम मीन्स जो ग्रद्धा ईगल, उसने ये हमारा महाराजा से बोला, हे महाराजा, वो मेरा आहार है, तेरा जो गोद में बैठी है वो जो पावर है, डो है, इट्स माय फूड, वो मेरे को दे दो बोला। फिर महाराजा ने बोला, भैया माफ़ करो, आप तो विहग गोत्तम, विहग मीन्स पक्षी, पक्षी जाति, उसमें सबसे तो उत्तम है, तू मेरा बात मानो और मेरा बात को समझो, पहले मैं यहाँ का राजा हूँ और मेरा शरण में जो भी आएगा उसका प्राण रक्षा, उनको जो चाहिए उस टाइप का जो हम प्रोवाइड करना, उनको 100% प्रोटेक्ट करना हमारा राजा लोगों का धर्म बनता है, हमारा राजा धर्म है, और ये मेरे गोद में आके बैठी है और ये मेरे को प्राण रक्षा दो करके मेरे से पूछा और मैंने उसको अभय दे दिया, तो इसलिए मैं इसको मैं आपका हवाला नहीं कर सकता। तब वो जो शेनम, जो ईगल ने बोला, ऐसे कैसे हो सकता है महाराजा, मैं भी तो आपका ही पालन में हूँ, मैं भी तो आपका ही प्रजा जैसे हूँ, मैं भी आपका रूलिंग में मैं हूँ, मैं भी आपके शरण में आया हूँ, वो मेरे को फूड दे दो, मेरा भी जान बचाओ, मैं दो दिन से कुछ नहीं खाया, मैं अगर अभी मैं उसको नहीं खाऊंगा तो मैं अभी मर जाऊंगी, तो मेरे को ही प्राण रक्षा दो, मेरे को इसलिए उस दो को मेरे को दे दो बोला। फिर राजा ने बोला, ऐसे नहीं होते वो राजा, वो विहग राजा, वो पक्षी राजा, इनको छोड़ दो, इनके पर इनके जगह में और कोई तेरे को मीट मैं प्रोवाइड करूँगा, मांस को प्रोवाइड करूँगा, आप उसको खा लो भाई, आप अपना जान बचा लो बोला। फिर जो शेनम ने बोला, जो वल्चर ने बोला, महाराजा, जो ब्रह्मा जी ने लिखा है कि द डोव इज द फूड ऑफ ईगल, जो कबूतर है ये हमारा जो ईगल का फूड है करके ब्रह्मा जी ने हमको दे दिया एक चांस, हमको बता दिया, हम उन्हीं को कहेंगे, इनका बराबर टेस्ट वाला मीट कहाँ मिलेगा हमको, कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप मेरे को उसी को दे दो बोला। फिर इसने बोला, फिर प्रार्थना किया, ऐसा सुनो भैया, मैं इनका प्राण रक्षा दे दूंगा करके इसको मैं अभय दे दिया, आप फिर वही पूछ रहे, तो तेरे को अगर इसके जगह टेस्ट का अगर है तो और भी अगर होगा तो पूछो, अगर मैं पक्का उस मांस को प्रोवाइड करूंगा, लेकिन इसको तो नहीं दूंगा मैं। फिर तब उसने बोली, जो वल्चर ने बोला, ठीक है महाराजा, अगर आप अपना बात पर अगर टिके हुए हो तो आप मेरा एक इच्छा पूरा करो बोला। हाँ बोलो, मैं तो तैयार हूँ। उसने बोली, ठीक है राजा, वो जो कबूतर की जगह आप अपना शरीर का जो दहिने, जो दाएं जो पार्ट है वो मेरे को दे दो, बस उतने शरीर का बराबर जितना है उतनी वजन का आप अपना बॉडी से काट कर मेरे को दे दो, और मैं उससे मैं अपना खाकर मैं अपना जीवन, मेरा प्राण बचा लूँगी बोला। ओ ये तो इसके लिए तो मैं तैयार हूँ करके उसने बगल में जो रानी का आंखों में देखा, वो समझ लिया
मतलब उस वक्त इतना अच्छे जो सच्चे लोग थे, सच्चे युग थे बोलते हैं, इतने अच्छे थे, वो समझ लिया। उसने एकदम वो अंदर से एक कांटा, जैसे बैलेंस बोलते हैं, त्रासू, उसको मंगवाया। उसके बाद एक तलवार तालड़ इसके पास है, उस तलवार से उसने ऐसे काटने लगे तो वो शेरन ने बोला, राजा आप दुख से दुख होकर कभी नहीं देना मेरे को। अगर आप दुख होकर वो दर्द को अगर वो सहने पाए, अगर आपने इस दर्द के वजह से अगर आपने अगर कुछ अगर महसूस किया, अगर इवन आपका हाथ काटते वक्त कटते वक्त अगर आपने दुख भी महसूस हुआ तो मेरे को मेरे लिए वो आपका जो शरीर वो है वो पॉइजन से बराबर होता है, ठीक है, विष से बराबर है। इसलिए आप बिल्कुल पेन फील नहीं होना, जो दर्द को महसूस नहीं करना, और रोना भी नहीं है, आँख से आंसू भी नहीं निकलना है, और मेरे को देना है खुशी खुशी से अपना अपना जो दहिने हिस्सा का मांस को देना है, तब भी मैं खाऊंगा दरसा, अदरवाइज वो मेरे लिए पॉइजन बन सकता है। फिर राजा ने बोला ठीक है भैया बोला। फिर उसने जैसे दहिने बाजू काट दिया, काट के बाद वो जो तराज में रख दिया, एक तरफ वो जो कबूतर बैठी है एक तरफ वो तराज में डाल दिया, लेकिन वो कबूतर उठी नहीं है, ठीक है। जैसा इधर बढ़ते जा रहे वजन वैसा वो भी वजन बढ़ते जा रहे हैं, वो ऐसी बैठी है एकदम, और त्रास ऐसी है बस, ये कबूतर वाला नीचे ही है, इसमें जो पूरा दाहिने हाथ डाल दिया लेकिन फिर भी नीचे नहीं हुआ, ऐसी है। फिर तब इसने बोला फिर दाहिने जो हिस्सा जो भी है जो दाहिने टांग वो भी काट दिया उसमें दे दिया, फिर भी ऐसी है, ठीक है, फिर भी नहीं उठा। तब राजा को अभी क्या करें, अभी दो एक हाथ एक वो टांग चला गया। फिर तब वो ऐसी बैठी है वो डव का, वो बिल्कुल ऊपर उठी नहीं है। तब इसका जो बाएं आंख से उसका जो दाहिने आंख से एकदम बिंदु निकल गए, इनके जो आंखों से एकदम अश्रु निकलने लगे। निकलने के बाद तुरंत इसने इंद जो शेनम ने बोला, ओ महाराजा छोड़ दो, आप अपना जो कार्रवाई काम खत्म कर दो, मैं आपका मांस नहीं लूँगा बोला। बोले क्या हुआ बोला, इसने क्यों नहीं लोगे, देखो आपका जो एक हाथ गया एक पैर चला गया, आपका आंख से आंसू आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब तू दर्द से तू दुख से दे रहे मेरे को जो अपना जो हिस्सा शरीर के हिस्से जो आप जो दुखते दे रहे हैं, मैं पहले बोला था कि वो मेरे को नहीं चाहिए, वो मेरे को पॉइजन का बराबर है, ठीक है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तब इसने बोला ओ विहगोत्तमा ओ पक्षी राजा, आप गलत मान रहे हो, ये जो आंसू निकल रहे हैं वो दुख का नहीं है, वो आनंद अश्रु है बोला, आनंद से आया है करे बोला। बोला आपको एक एक हाथ चला गया एक टांग चला गया, इसमें आनंद क्या मिला आपको करके उसने ऐसे बोला। इसने बोला आपने क्या बोला पहले, मेरे शरीर का सिर्फ दहिने हिस्से देने के लिए आपने बोला है, इसका मतलब जो मेरा शरीर, मैं ये खुद सोच रहा था कि इसका मतलब मेरा शरीर के अंदर सिर्फ दहिने हिस्से ही दान का काम हो सकता है क्या, मेरा बाएं हिस्से किसी का काम का नहीं है करेगा। तब मैं उस वक्त मेरा कुछ दुख लगा, लेकिन जब तक जब मेरा पूरा दहिने हिस्सा से भी जो वजन बराबर नहीं हुआ, तब मेरे को ऑटोमेटिक मेरा बाएं हाथ का बाएं साइड का भी आपको दान देना पड़ेगा, इसका मतलब ये मेरा बाएं साइड जो हिस्सा है वो भी दान का योग्य दान का लायक बन गया। इस खुशी से मेरे को आंख से आंसू आया है, ठीक है, इसका नहीं ये मतलब नहीं है कि मैं दुख से या मैं दर्द से मैं आंसू निकला है, सिर्फ आनंद की वजह से अभी मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा सारे पूरा बॉडी पूरा शरीर दान का योग्य हो गया, इसलिए मैं आनंद से मेरा कान से आ रहा है करके बोला। फिर मिसेस को बोला ठीक है इनको भी तराज के ऊपर चढ़ाओ बोला। जैसे उसने बोलते हुए उसे चढ़ाया भी नहीं है, एकदम ऊपर से जो देवता लोग सब इनविजिबल होकर जो देख रहे थे ड्रामा, वो सारे ऊपर से एकदम दुंदुभी मीन्स बड़ा बड़ा ड्रम्स होता है वो बजाया, और ऊपर से एकदम पुष्पवृष्टि, वो क्या बोलते हैं पारिजात पुष्प का जो वृष्टि है, वृष्टि मीन्स बारिश, वृष्टि मीन्स क्या है बारिश, वो पुष्पों का बारिश उसने वो करवाया। फिर एकदम सब संतोष हो गया, और ये दोनों क्या हुआ ऊपर से क्या गिर रहा है करके, तब तक क्या है जो डव था वो अग्निदेव बन गया, जो वल्चर है वो इंद्रदेव बन गया।
इन लोग देखते देखते इनका पूरा हिस्सा फिर एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल कहीं भी इतना क्रोच भी नहीं है, कहीं इतना छोटा सा रैश भी नहीं है। ये अपना शिव चक्रवर्ती का देखते देखते एकदम पूरा परफेक्ट मैन बन गया। फिर एकदम दोनों को इसने प्रणाम किया, ये है कौन आप करके बोल जाता। तब इंद्र ने बोला, मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव है, हम सिर्फ इतना ही चेक करने आए हैं, टेस्ट करने आए हैं कि आप जो नॉर्मल आदमी के साथ तो अच्छा बिहेव करते हो, लेकिन भूत दया बाकी जो प्राणियों में आपका कितना, आपका जो दया गुण है वो हम परीक्षा करने आए हैं, इसमें भी सफल हो गए हैं। और अभी से आपको कोई क्या बोलते हैं, किसी टाइप का जो कोई बीमारी बीमारी कुछ नहीं है आएगा, और आप बिल्कुल जब तक जिंदा रहोगे आप एकदम अच्छा स्वस्थ रहोगे, ठीक है, और आखिरी पल तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे और अपना प्रजा को भी अच्छा पालन करोगे, अच्छा नाम कमाओगे करके। वो अग्नि और इंद्रदेव ने इन दोनों राजा रानी को आशीर्वाद दे दिया, वो डिसअपीयर हो गया, फिर एक खुशी से अपना अंतपुर में आ गया। उसके बाद लोगों ने अच्छी तरह से जो राज्य पालन किया, बिना कोई जुकाम दर्द कुछ भी नहीं उनका, बुखार एकदम तंदुरुस्त स्वस्थ रहा उन लोग ने। ठीक, ये है हमारा जो शरणागत रक्षणम नाम का पाठ का सारांश। अगले सेशन में दूसरा और कोई लेसन्स के साथ मिलेंगे। जय हिंद।